दोस्तों वेलकम बैक स्वागत आपका फिर से प्रभास की कल की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक नए एपिसोड में कल फिल्म का कलेक्शन जो है वो नुकने का नाम नहीं ले रहा फिल्म बॉक्स पे लगातार नंबर वन ट्रेंडिंग पे जा रही है दोस्तों अगर श्रद्धाखपुर राजकुमार राव की स्त्री टू बॉक्स पे रिलीज़ ना होती जोन अब्रम की विदा और कुमार की खेल खेल मूवी है तीनों मूवीज़ अगर पंद्रह अगस्त को रिलीज ना होती तो दोस्तों कल फिल्म आज भी पर हिंदी बेल्ट में चालीस पचास लाख से ऊपर कमाई कर रही होती लेकिन दोस्तों इन तीनों मूवीज़ के रिलीज होने की वजह से फिल्म का कलेक्शन गिरा क्योंकि फिल्म से बहुत सारी स्क्रीन वापस ले ली गई है लेकिन दोस्तों मजाल है कि कल की फिल्म का रुकलक्षण हिंदी बेल्ट में काफी अच्छा आ रहा है तेलुगु में काफी अच्छा आ रहा है फिल्म बॉक्स पर पूरे दो मंथ कंप्लीट कर चुकी है फिल्म सिनेमा हॉल में पक्का है साठ से सत्तर दिन चलेगी दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है जब बाईस अगस्त को नेट इनफ्लिक्स और आप लोग कल की फिल्म को हिंदी बेल्ट में स्ट्रीमिंग होता हुआ नजर आएगी बाईस अगस्त को प्राइम वीडियो में यह फिल्म साउथ लैंग्वेज में आपको स्ट्रीमिंग होती हुई नजर आएगी जब बाईस अगस्त को यह फिल्म ओ टी टी के ऊपर रिलीज होगी उसके बाद भी फिल्म आपको सिनेॉल में सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखने को, को मिलेगी बात है दोस्तों इस इसी ब्लॉकबास्टर को पब्लिक अभी भी बहुत ज्यादा प्यार दे रही है इतिहास के पन्नों में प्रभास की इस फिल्म ने नंबर सेकंड हाइस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है प्रभास की कह की नंबर वन बेस्ट परफॉर्मेंस भॉबी टू नंबर सेकंड पे कल की फिल्म आती है प्रभास की भॉबी टू ने वर्ल्डवुड बॉक्स पर अठारह 10 करोड़ की कमाई की जबकि कल की फिल्म जो है बारह सौ करोड़ का ग्रोथ में नंबर नंबर क्रॉस करके सेकंड में रिप्लेस हो चुकी है प्रभास की, की फिल्म ने लाइफ छह सौ साठ करोड़ की कमाई पक्का कर ली जबकि बॉबी एक हजार तीस करोड़ की कमाई की थी नंबर सेकंड में कल की, की फिल्म आ चुकी है दोस्तों बॉबी टू ने लाइफ टाइम हिंदी वर्जन में पांच सौ ग्यारह करोड़ की कमाई की जबकि कल की फिल्म हिंदी बेल्ट में लाइफ टाइम में तीन सौ करोड़ की कमाई करके नंबर सेकंड में रिप्लेस हो चुकी है दोस्तों प्रभास की कैरी में दो सबसे बड़ी मूवीज हैं नंबर वन बॉबी टू नंबर सेकंड कलकी फिल्म इससे ऊपर कोई भी प्रभास की अच्छी फिल्म को देखने को नहीं मिलती है लेकिन दोस्तों कल की पे छपड़ कमाई करते हुए। पर दिन कितनी कमाई की है वर्ल्ड बॉक्स पर कितना कलेक्शन किया है फिल्म ने तक किन किन मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ा फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मेकर को कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पर छोटी सी विनती है इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा भाई साहब सुपर स्टार प्रभास की कल फिल्म का बजट है छः सौ करोड़ का जिसमें प्रभास ने काम करने के लिए अस्सी करोड़ की फीस ली दीपिका पौधुक ने बीस करोड़ लिए अमिताभ बच्चन ने पच्चीस करोड़ लिए कमल हसन ने दस करोड़ लिए थे फिल्म का स्टार कास्ट का जो बजट था वो दो सौ करोड़ का फिल्म के वी फिल्म के सेट के पर पूरे चार करोड़ का खर्चा किया गया दो सौ कंपनी इस फिल्म के वी बनाए कल फिल्म के विजुअल और वी के ऊपर पूरे एक करोड़ का खर्चा किया गया है दो करोड़ का खर्चा फिल्म के सेट के ऊपर हुआ था फिल्म को बहुत भारी भरकम बजट से बनाया गया था कल की फिल्म रिलीज से पहले अपना छह करोड़ का बजट निकाले में दो करोड़ के तेलुगु में एक स्ट्रीमिंग पचहत्तर प्राइम वीडियो को बेचे थे जबकि दूसरी भाषा में तेमिल तेलुगु मलयालम एक स्ट्रीमिंग राइट रिलीज से पहले बिक चुके थे दो फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स पे हिंदी बेल्ट में बाईस करोड़ की कमाई करके तेलुगु में चौसठ करोड़ की कमाई करके दुनिया के बॉक्स पे इक्यानवे करोड़ की कमाई करके मूवी का एक करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जब चैप्टर का एक सौ पैंसठ करोड़ का रिकॉर्ड के लियो का एक सौ अड़तालीस करोड़ का रिकॉर्ड फिल्म इंडियनों की पहला वीक आठ दिन का था कल की फिल्म ने पहले आठ दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स पे वर्ल्ड बॉक्स पे सात सौ पचास करोड़ की कमाई की थी दूसरे वीक के अंदर वर्ल्ड बॉक्स पे दो सौ तिरतालीस करोड़ की कमाई की थी तीसरे वीक के अंदर एक सौ छह करोड़ की कमाई करके चौथे वीक के अंदर अट्ठावन करोड़ का धंधा किया था पांचवें वीक के अंदर सत्ताईस करोड़ की कमाई करके छठवें वीक के अंदर कल की फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स पे ग्यारह करोड़ की कमाई करके सातवें दिन वर्ल्ड सातवें वीक के अंदर वर्ल्ड बॉक्स पे सात करोड़ की कमाई की थी और आठवें वीक का जो कलेक्शन है वो भी लगभग दोस्तों आपको पक्का कन्फर्म जो है चार से पाँच करोड़ का देखने को मिलेगा दोस्तों कल की फिल्म को आज दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज़ हुए आठवां वीक चल रहा है कल की फिल्म ने बॉक्स पर आज भी बहुत दमदार कमाई की जो कि काबिल तरीफ है हिस्टोरिकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है कल की फिल्म ने डे फिफ्टी वन को इंडिया की सारी भावष्यों में अट्ठाईस लाख रुपए की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पर उनतालीस लाख रुपए का धंधा किया था डे बावन को हिंदी बलट में पंद्रह लाख रुपए की कमाई करके ऑल इंडिया में इकतीस लाख रुपए का धंधा करके दुनिया भर के बॉक्स पर चुतालीस लाख रुपए की कमाई की थी डे तिरपन को हिंदी बेल्ट में संडे को 20 लाख रुपए की कमाई करके ऑल इंडिया में पैंतालीस लाख रुपए का कलेक्शन करके वर्ल्ड बॉक्स पर पूरे अट्ठावन करोड़ की कमाई की थी कल की फिल्म दोस्तों डे चौवन को मंडे को हिंदी बेल्ट में 10 लाख रुपए की कमाई करने में सबरोपाई है तेलुगु में 12 लाख रुपए की कमाई की ऑल इंडिया में अट्ठाईस लाख रुपये का कलेक्शन करके दुनिया भर के बॉक्स पर अड़तीस लाख रुपये की कमाई की डे फिफ्टी को यानी पचपन वाले दिन कल की फिल्म ने हिंदी बेल्ट में केवल आठ लाख रुपये का कलेक्शन किया है तेलुगु में नाइन लाख रुपये की तमिल मलयालम और करना में आज से दस दस दिन पहले एंड हो चुका है डे पचपन को कल की फिल्म ऑल इंडिया में सोलह लाख रुपए की कमाई करके इंडिया ग्रोथ सलेक्शन में उन्नीस लाख रुपए का धंधा किया और ओवर्स मार्केट में एक लाख रुपए का कलेक्शन करके डे फिफ्टी फाइव को कलकी फिल्म ने दुनिया भर के वक्स पे बीस लाख रुपए की कमाई की है दोस्तों शाहरुख खान की जवान पठान ने डे पचपन को इतना धंधा नहीं किया जितना कलकी फिल्म कर रही है कल की फिल्म दोस्तों सिनेमा हॉल में लगभग पाँच दिन के बाद दो मंथ कंप्लीट कर लेगी लेकिन दोस्तों सौ मजार के कल की फिल्म का कलेक्शन थोड़ा सा भी रिकाओ कल की फिल्म डे बाय डे अच्छी कमाई करके सिनेमा हॉल में पक्का दो मंथ से लेकर ढाई मंथ चलेगी अब बात कर लेते फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में कल की फिल्म ने पचपन दिनों के अंदर हिंदी भार्ट में तीन सौ करोड़ का नंबर क्रॉस कर दिया तेलुगु दो सौ करोड़ नब्बे की कमाई की का है दिनों के अंदर तमिल में हैत्तीस करोड़ लाख रुपए की कमाई करके मलयालम में करोड़ की की कमाई जबकि लाइफ टाइम में करना में आठ करोड़ का धंधा किया है केरला में बारह करोड़ की कमाई करके कल की फिल्म पचपन दिनों के अंदर जो है इंडिया नेट कलेक्शन इंडिया की सारी भाषाओं में छह करोड़ छप्पन लाख रुपये की कमाई कर चुकी है इंडिया ग्रोथ में दो करोड़ की कमाई कर चुकी है कल की फिल्म पचपन दिनों के अंदर ओवर मार्केट में दो सौ अठानवे करोड़ पचतावन लाख रुपए की कमाई करके पचपन दिनों के अंदर कल की फिल्म ने जो है दुनिया भर के वक्स पर ग्यारह सौ चौहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख रुपए की कमाई कर ली है अब दोस्तों इंडिया की टॉप फाइव लिस्ट में कल की फिल्म नंबर फाइव पर रिप्लेस हो चुकी कल की फिल्म ने इंडिया की सारी भाषाओं में छः करोड़ की कमाई करके शाहरुख खान की फिल्म जवान का इंडिया की सारी भाषाओं में छः करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है एनिमल मूवी का पाँच करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पठान का पाँच करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है गदर टू का पाँच करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है कल की फिल्म दोस्तों वर्ल्ड बॉक्स पर इंडिया ग्रो सेलेक्शन यानी वर्ल्ड ग्रो सेलेक्शन में बारह करोड़ का भी नंबर क्रॉस कर चुकी है दोस्तों इस फिल्म ने सबको परेशान कर देने वाला कलेक्शन गया है 2024 की नंबर वन हाईएस्ट हिंदी बेल्ट में कमाई करने वाली फिल्म कल की है 2024 के नंबर वन हाईएस्ट हिंदी नेट में इंडिया की सारी भाषा में कमाई करने वाली फिल्म कल की है 2024 हज़ार के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कल की फिल्म है कल की फिल्म ने दो ऐसी कमाई की जो किसी ने सोची भी नहीं थी इतिहास के पन्नों में कल की फिल्म का नाम हमेशा याद रखा जाएगा कल की फिल्म एक शानदार फिल्म नहीं थी एक एवरेज फिल्म थी फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था दिशा पटनी वाला बीस पच्चीस मिनट का रोल बेफजूल था लेकिन इसके बाद भी अमिताभ बच्चन दीपिका पौधगोन ने अच्छा काम किया कमल हसन और अब्बास ने फिल्म को बचा लिया डूबने से बचा लिया कल की फिल्म अगर एक अच्छी और आउटस्टैंडिंग गुड फिल्म होती ये फिल्म पक्का जो है पंद्रह सौ से लेकर दो हज़ार करोड़ की कमाई कर लेती लेकिन दोस्तों कल की फिल्म एक एवरेज फिल्म होने के बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स ले आई है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वेल well, दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इनॉफॉर्मेशन दी हंड्रेड परसेंट रियल आपसे एक छोटी सी बिन है अगर आप लोग सुपरस्टार प्रभास प्रभा के डायन फैस वीडियो को लाइक दे, कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपके लिए कुछ खास दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट दिखा सकता है प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके सेक्शन कामर्सन आपको कल की फिल्म कैसे लगी फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो परसेंट रियल है मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक सी यू सुन